सारे नगर एरच राजधानी में शोक छाया था लोगों, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। भैया देखिए किस्मत का खेल, सुबह होते ही धूल उड़ा करके हटा करके देखा है तो प्रहलाद श्री राम गाते हुए प्रकट हो गए। महाराज हिरण्यकश्यप सोचने लगे ये कैसे मरेगा। एक लोहे का खंभ लाल करवाया, आदेश दिया जाओ सैनिकों इस खंभ में प्रहलाद को बांध दो। हाय हाय प्रहलाद डरने लगे, कहीं मैं जल न जाऊं, भगवान बचा लेना। तभी चींटी बनकर के भगवान प्रहलाद को दिखा गए, कोई जान नहीं पाया ये माया। प्रहलाद सोचने लगे जब ये चींटी नहीं जल रही है छोटा सा जीव तो मैं कैसे जल जाऊंगा। उधर प्रहलाद बंधा है खंभ में, निकाली तलवार बुला राम को, तेरा राम कहां है। प्रहलाद कहने लगे पिताजी मेरा राम कहां है पूछते हो, सुनो। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसारों में है, इस खंभ में है तलवारों में है, मुझ में भी है तुझ में भी है। राम सर्वव्यापी है, सभी जगह समाया हुआ है। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसारों में है, इस खंभ में है तलवार में है, भी है तुझ में भी है। बंधु झुंझला गया, आग बबूला हो गया हिरण्यकश्यप, बुला अपने राम को। प्रहलाद ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करने लगे, हाथ जोड़ करके कहने के विधाता बचा लेना। कि अब ना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, और प्रभु की देखिए भैया प्रहलाद क्या बोले, सारे दुनिया को बता दूंगा मेरा पिता झूठा भगवान है, कोई राम नाम की शक्ति दूसरी है पिताजी। और यमुना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा, प्रभु को कसम से मैं अब ना छुपाऊंगा, मेरे दिल में बसे श्री राम पिताजी राम। राम से पैर क्यों ठाना है, क्यों तू बना दीवाना,
जो तलवार प्रहार करनी चाहिए खम्भ में, हुआ क्या? खम्भ फटा है, स्वर हुआ है, तखते नरसिंह भगवान पिताजी राम राम खम्भा भाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकटे। बोलो नरसिंह भगवान की। झपट करके हिरण कश्यप को पकड़ लिया। याद कर तूने क्या क्या वरदान मांगा था। बोला मुझे मार नहीं पाओगे महाराज, मैंने बहुत वरदान प्राप्त किए हैं ब्रह्मा से और नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, नीच में न मरूं दिन में न मरूं, तुम तो सब संसार के पिता हो हे भगवान, मेरी बात नहीं जानते, मैं वरदानी हूं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, है कि नीचे है? ऊपर देखा नीचे देखा? महाराज न मैं ऊपर हूं ना नीचे, मैं तो तुम्हारी गोद में बीच में हूं। तूने वरदान मांगा ना दिन में मरूं ना रात में। बोल रात है कि दिन है? महाराज न रात है ना दिन है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, लालिमा छाई हुई है, संध्या की बेला है। कांपने लगा हिरण्यकश्यप और सुनो बोल घर के भीतर है कि बाहर? महाराज ना भीतर हूं ना बाहर हूं, मैं तो बीचम बीच में देहरी पर हूं। ठीक, नर से न मरूं पशु से न मरूं ये भी मांगा था। बोल मैं नर हूं कि पशु हूं, मुझे देखकर बता। महाराज आप तो टू इन वन में आए हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं, न तुम्हें सिंह कह सकता हूं न नर कह सकता हूं, हम क्या जाने तुम महाराज जुड़ के आ जाओगे तो। देख उस दिन की याद कर हिरण्यकश्यप, जिस दिन अपनी मां के गर्भ में था। मैंने कुछ तुझसे कहा था मां की कोख, याद कर उस दिन की बात। और यह सत्य है लोगों, संसार में जब जीव आता है तो भगवान से मां के उदर में ही कॉल करके आता है संसार में, लेकिन वो भूल जाता है सारे वादे भगवान के। क्या बोले हैं नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप से? आए वहां से और करके करार
भूल गए तुम आके मजदार, और क्यों ना भजन किया तुमने करार, और भूल गए तुम आके मजदार, और क्यों ना भजन किया तूने सीहन का। भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ कवि रंथन गावा, और लाखियूनी बटके जाने कितने हैं जीवन बिताए, 84 लाख यूनियन भागीरथ भैया, कीमती शरीर है, लोग जान नहीं पाते, हीरा इसी उमरिया धोखे धोखे में गवा देते। बटके जाने कितने ही जीवन बिताए, और तब मिला एक नरका जीवन जग का जो अनमोल पाए, और जगी का है जगत पिता उसकी मेहरबानी है। इतना ही नहीं भक्तों, जब हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने पेट फाड़ दिया, भगवान का क्रोध कोई शांत नहीं कर पा रहा था, तभी देवताओं ने इशारा किया, प्रहलाद तुम जाओ तो भक्त के आगे ही भगवान का क्रोध शांत हो सकता है। प्रहलाद आगे गए, पैर पकड़ लेते ही नरसिंह भगवान कहने लगे, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं, तुम्हारा तो स्थान हमारे दिल में है। झपट करके उठा लिया गोद में, लपक उठाए दयानिधि प्रहलाद तो गोदी लयो उठाए, मानो निज गाय बच को पाई गई हंसा। भगवान प्रहलाद को ऐसे चूमने चाटने लगे जैसे गैया के पास एक बछड़ा दूध पीने के लिए जाता है, गैया चूमने पुचकारने लगती है लेकिन बछड़ा दूध पीता है, उसी प्रकार से भागवत प्रेमियों आज भगवान भक्त प्रहलाद को
चुनने पुचकारने लगी और आशीर्वाद दिया है, बेटा तुम राज करो, मरने के बाद हमारे धाम को आओगे। और भागीरथ भैया नाल बजा में उदो जी का रे खनका, इन्हें भागीरथ तूफानी के नाम से जानते हैं। और भागीरथ भैया नाल बजा में उदो जी का रे, और विवेकानंद चिमटा बजावे, यानी बाबा जी, और छोटू मंजीरा ने खलका, और शिवराज शास्त्री पाले भैया कथा बोले ते सुना, और शिवराज शास्त्री इंद्र को पाले भैया कथा बोले ते कानपुर लगे हमार भैया, और धन धन राठौर जी, राठौर यानी राठौर कैसी कंपनी पूरा बनी मैं भैया, धन्य धन्य राठौर जी की महिमा न्यारी है, भैया धन्य धन्य राठौर जी की महिमा न्यारी है, और महिमा न्यारी है, भैया धन्य धन्य।